हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आप सब कैसे हो उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज मैं बनाने बनाना चाहिए कुछ बल्ब से डी ये काफ़ी पुराने मेरे पास बल्ब पड़े थे दिवाली से पहले जो उनसे ख़राब हो गए थे वो मैंने उतार के रख लिए थे तो इससे आज हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छे डी आई वाई तीन चार बल्ब है मेरे पास तो सबसे पहले हम इस पर ग्ल्यू लगा ली हमने एक बल्ब पर हमने ग्ल्यू लगा के उसको सूखने के लिए रख दिया फ्रेंड्स उसके ऊपर चावल लगा दिया मैंने और ये सेकंड बल है इसके ऊपर करने जा रही हूँ मैं ऑरेंज कलर ऊपर की साइड में ये देखिए आप आपको जो सा कलर पसंद हो आप वो लगा सकते हो तो मैं कुछ इसको मन में ध्यान में रख के अगर बनता है तो आपको बता रही हूँ आगे ये हो गया हमारा ऑरेंज कलर पूरा अच्छे से रेडीज थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे इसको क्योंकि पकड़ने के लिए मुश्किल होती है ना तो हमने पहले ऑरेंज कंप्लीट किया आप जो भी कुछ आपको अच्छी ड्राइंग आती है तो आप इस पर ड्राइंग अच्छी सी कर सकते हो कुछ भी बना सकते हो कोई फिगर बना सकते हो ये मैंने बोतल के ऊपर सूखने के लिए रख दिया इसको ये अच्छे सूख जाएगा तो बाकी नीचे कलर फिर करेंगे ये देखिए हम अगला अभी ले रहे हैं अगले वाला तो इसके मतलब इसके ऊपर हम करें ग्रीन कलर पहले ऊपर की साइड कर दिया हमने ग्रीन नीचे की साइड सॉरी आपने जो कलर आपके पास अवेलेबल हो जो कुछ हो पर, अगर आपके परमानेंट मार्कर हो उससे भी आप कुछ ना कुछ ड्राइंग वगैरह बना सकते हो तो मेरे पास कलर पड़े थे तो मैंने कलर से इसको डेकोरेट करने की सोची आप टेप लगा के भी कर सकते हो मैंने रैंडमली ऐसे बना दिया भी लाइन सीधी इतना वो जो रिन था भी सीधी लाइन ही चाहिए ये हो गया हमारा ग्रीन कलर थोड़ा थोड़ा रह गया था बीच में उसको लाइन सीधी कर रहे हैं फ्रेंड्स की अब ये नीचे से पकड़ के मैंने रेड से आप इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हो डिज़ाइन कोई भी बना सकते हो मैंने ये कैक्टस की तरह बना दिया है ऐसे कैक्टस होता है तो आप फ्लावर्स बना सकते हो फिर से बता रही कोई फीकर जो आपको आता है जो छोटे चोड़ छोटे फ्लावर्स ही बना सकते हो तो मैंने मेरे दिमाग में ये झट से आया तो मैंने ये वाला बना दिया ये हो गया पूरा कंप्लीट अब इसको भी सूखने के लिए रख देते हैं नीचे से पकड़ के रखेंगे ऐसे ये चावल लगाए थे मैंने एक बल्ब पे चावल सूख गए हैं फेवी को लगा के चावल लगा दिए थे अभी इस पर हम कलर करेंगे इस पर भी मैंने ग्रीन सोचा है ग्रीन कलर कर दिया थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि चावल लगे हुए हैं उसके बीच तक कलर अच्छे से करना है थोड़ा थोड़ा पानी लेके आप सब फ्रेंड्स लगा सकते हो चावल हैं तो चावल कुछ और लगाना चाहते हो आप और लगा लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो कोई भी चीज़ हो जैसे हम पहले बॉटल्स में चा लगा चावल लगा के उस पर ऊपर डेकोर करते थे तो मेरे दिमाग में ये आइडिया है चावल लगा के भी इसको बनाते हैं ये देखिए ये हो गया बिल्कुल कंप्लीट बीच बीच में से जगह खाली लग रही जगह उसका थोड़ा सा पानी लेके के अब ब्रश से उससे कर सकते हो अब ये भी हो गया कंप्लीट हमारा इसको भी सूखने के लिए रख देते हैं पानी लगाए तो फ्रेंड्स कलर नीचे हो गया था थोड़ा अभी इस पर भी मैंने ऐसे लाइंस लगा दी हैं और ऊपर की तरफ रेड ही कर दिए इसके ऊपर अब ये जोन सा हमने बनाया था ऑरेंज वाला उसके ऊपर के बीच का हमने वाइट छोड़ दिया फर्स्ट वाला ये बीच में वाइट छोड़ के ऊपर ग्रीन कर दिया आप सबको पता लग गया होगा ये क्या चीज़ बन गई ये हमारा इंडिया का मैप बन गया है उनके कलर्स बन गए हैं मैप के ये देखिए देखने में बहुत सुंदर लग रहा है हमारा झंडा है ही बहुत सुंदर तो उसके कलर भी बहुत कलरफुल हैं प्यारे हैं खिलते कलर हैं अब ये तीनों के तीनों रेडी हैं सूख गए हैं लगभग ये सारे अब इसका आगे डेकोर करते हैं ये मैंने पाइप में लगा दी तभी सूख जाइए अच्छे से रखने के लिए जगह नहीं थी फ्रेंड्स को इसको तो मैंने पाइप में लगा के सूखने के लिए रख दिया था अब ये जोन सा जिसपे चावल लगाए थे इसमें मैंने पानी डाल के थोड़ी मनी प्लांट्स की लीप डाल दी हैं आप चाहो कोई सा ही पौधा लगा सकते हो कोई आर्टिफिशियल भी लगा सकते हो ये देखिए ऐसे ही स्टैंड हो गया खड़ा हो गया बिना स्पोर्ट के ये ऐसे देखो कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स आप कहीं भी रख सकते हो बालकोनी में इसको हैंग भी कर सो थ्रेड लगा के इसको आप हैंग कर सकते हो तो दोनों साइड से वो छोट छोटी छोटी मोरियाँ होती हैं इसमें होल होते हैं तो उसमें आप थ्रेड डाल के इसको हैंग भी कर सकते हो ये हमारे तीनों बल्लब बिल्कुल सूखे रेडी हो चुके हैं फर्स्ट वाला हमने टेकआउट कर दिया अब सेकेंड की बारी आ रही है जो सा हमारा इंडिया का मैप है इसको मैं नीचे ढक्कन से खड़ा कर दिया क्योंकि इसमें इसको स्पोर्ट की जरूरत थी ये कुछ सूखी हुई लीव मेरे पास ग्रास पड़ी थी तो मैंने इसके ऊपर लगा दी है आप फ्लावर्स भी लगा सकते हो जो मैं फिर से कह रही हूँ अवेलेबल है आपके पास वो लगा सकते हो नहीं तो इसमें भी आप मनी प्लांट या कोई और हेयर प्लांट लगा सकते हो ये देखिए मैंने फेंक प्लांट जिसको आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट बोलते हैं वो मैंने लगा दिया है ये भी कितना सुंदर लग रहा है ग्रीन ग्रीन मैंने इसलिए किया अब ये थर्ड की बारी है ये मेरे पास एक बॉटल पड़ी थी मैंने उसके बीच में कलरफुल स्टोन डाल दिए हैं जो मेरे पास अवेलेबल था वही फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ दूसरा कुछ नहीं एक्स्ट्रा मार्केट से लेके कुछ नहीं कर रही हूँ अभी मैंने स्टोन डाल दिए तो इसके बीच में हम फिर से ग्रीन लीव्स पड़े वो ग्रास पड़े वो डाल रही हूँ मैं अगर आपके पास स्टोन या स्टोन जो चीज़ है वो डालो आप इसमें मैंने अब ये ग्रास डाल दिया और इसके बीच में ये मैंने फ्लावर पड़े हैं छोटे चोट छोटे मेरे पास ये भी आर्टिफिशियल है सारे तो मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स डाल दिए इसके अंदर ये भी वाइट वाले आप इसको भी हैंग कर सकते हो फेंग इसके ऊपर ये लगा के ये भी देखिए बहुत सुंदर लगेगा आप चाहो तो इस पूरी बॉटल में एक कलर कर सकते हो कोई सा भी गोल्डन कुछ भी कर सकते हो ये हमारे तीनों के तीनों डी आई वे बल्ब्स तैयार हैं अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए